तो एक बहुत बड़ा सवाल, इमरान कौन था और एंड में वो कहां गायब हो जाता है। और फिल्म के एंड में उसकी फोटो पुलिस स्टेशन में दिखती है जो कि उसके पुलिस ढूंढ रही है। इसके अलावा इमरान के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो वह था गोट लाइफ। ये पृथ्वीराज सुकुमार की काफी इमोशनल फिल्म है जो कि एक सच्ची स्टोरी पर बेस्ड है। अगर तुमने इस मूवी को नहीं देखा तो मेरा मान लो तो इस मूवी को जरूर देखना, मूवी काफी अच्छी है। लेकिन जिन्होंने मूवी देख लिया है उनके लिए यह ब्रेकडाउन वीडियो है। इसमें हम कुछ गजब के हिडन डिटेल देखने वाले हैं, तो आओ शुरू करते हैं। तो हम फिल्म के शुरुआत में देखते हैं कि ये आदमी नजीम और हकीम को अपना स्पॉन्सर या कफिल बताकर उन्हें ले जाता है और उन्हें एक सेलिब्रिटी में जाकर ढकेल देता है। और हमें लगता है कि श्री कुमार ने उन्हें धोखा दे दिया है और उन्हें फंसा दिया है। लेकिन फिल्म के एंड में हमें पता चलता है कि ये आदमी इनका स्पॉन्सर था ही नहीं और जो ओरिजिनल कफिल था वो उन्हें लेने आया ही नहीं, और इसी का फायदा उठाते हुए इस आदमी ने उन्हें उठाकर ले जाता है। लेकिन फिल्म में नहीं बताया गया कि इनका कफिल क्यों नहीं आया। देखो शायद इसका जवाब इस एयरपोर्ट पर मिल सकता है। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो इस बंदे ने हकीम से पूछता है कि तुम किस फ्लाइट से आए हो, लेकिन हकीम बिना समझे उसे नो बोल देता है। लेकिन हो सकता है ये कफिल का भेजा हुआ आदमी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी वर्कर्स इंडिया से आते हैं उनकी फ्लाइट की टिकट उनके स्पॉन्सर या कफिल ही बुक करते हैं। तो इसका मतलब कफिल को पता होता है कि उनके वर्कर्स किस फ्लाइट से आ रहे हैं, और ये इन्फॉर्मेशन देकर उस कफिल ने इस आदमी को भेजा होगा जो कि वो पूछता भी है, लेकिन हकीम उन्हें नो कह देता है। तो अब देखते हैं कि नजीम सऊदी में कितने साल फंसा रहा। अगर तुमको ये सीन याद होगा तो ये बंदा नजीम को अपने जीजा के पास लाता है और बताता है कि उसके जीजा हर साल इस त्यौहार में आते हैं सिवाय पिछले साल के, क्योंकि कुवैत में जंग हो रही थी। और जो कुवैत की जंग की बात कर रहा था वो हुई थी 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 तक। और जो ये फेस्टिवल हो रहा है उसको अचीरा काले कट्टू कहते हैं जो कि ओनम के दौरान मनाया जाता है, यानी अगस्त सितंबर के बीच में। तो अगर ये कुवैत की जंग 2 अगस्त 1990 से शुरू हुई थी तो इसका मतलब है कि इसके जीजा 1990 में इस फेस्टिवल को मिस किया था, और जो जंग 28 फरवरी 1991 को खत्म होती है तो इसका मतलब कि ये जो सीन है 1991 की है, और ये वो साल होता है जिसमें नजीम सऊदी जाता है। और हम जब फिल्म के एंड में देखते हैं कि ये बंदा नजीम को जगह देता रहने के लिए और उसके बाल कटवाता है, तो जहां तुम अखबार पर देख सकते हो कि उस पर 1994 की ईयर चल रही है। इसका मतलब है कि नजीम 3 साल तक सऊदी में फंसा रहा। तुमने इस चरवाहा को भी देखा होगा जो कि इस सीन में वो ऊँटों से कहता है कि मैं तुम्हें खिलाते खिलाते मर जाऊंगा, और ये इसकी एक आखिरी सीन होती है। और जहां हम देखते हैं कि वो अगली सुबह गायब हो जाता है और काफी समय बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब हो सकता है कि वो उसी रात या अगली सुबह मर जाता है। तुम देख सकते हो कि ये रेत में दबा होता है, तो क्या ये वही होता है? तो हाँ, ये वही होता है। तुम इसके हाथ में कड़ा देख सकते हो जो कि इसने पहले भी पहने हुए थे। तो ये पूरा कंफर्म हो जाता है कि डेड बॉडी उसी की है, और हो सकता है कि इसको इन कफिल वालों ने ही मार दिया होगा। इससे पहले हम देख सकते हैं कि इस कफिल के पास बंदूक होता है जो कि नजीम को ही मारने के लिए तैयार हो जाता है। और ये तुम्हारा भी सवाल हो सकता है कि उन तीनों ने भागने के लिए ऊँटों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जो कि ऊँट तो काफी ज्यादा ही थी। लेकिन नहीं, इमरान का कहना था कि उन्हें बिना कुछ लिए यहाँ से निकलना है, क्योंकि वो ऊँट के साथ पकड़े भी जाते तो उन्हें दूसरों को केमल के चोरी में फंस जाते, और सऊदी अरेबिया में चोरी एक क्रिमिनल माना जाता है। अगर ये चार्ज नजीम के ऊपर लग जाता तो वो आउट पास भी ना मिलता और कभी इंडिया भी वापस ना जा पाता। आगे जब फिल्म के एंड में इमरान गायब हो जाता है तब नजीम के लिए पानी और एक खजूर छोड़ जाता है। लेकिन बहुतों का डाउट है कि खजूर आया कहाँ से। अगर तुम ध्यान दो तो नजीम के पास कुछ खजूर पड़े हुए देख सकते हो, और यहीं से इमरान ने भी उठाए होंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल कि इमरान कौन था और कहाँ गायब हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी पुलिस स्टेशन में फोटो लगी होती है जो कि उसे पुलिस ढूंढ रही है, और इसके अलावा इमरान के बारे में कुछ नहीं बताया गया। देखो, अब यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है। पहले देखो, इमरान एक जो कि वांटेड लिस्ट में, इसका मतलब उसने कुछ किया है और शायद इसलिए वो सड़क के पास जाकर गायब हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता होगा कि उसकी वजह से इमरान किसी मुसीबत में पड़े। तो बात आती है कि वो कहाँ गया होगा। तो मेरे हिसाब से वो शायद वो दोबारा डेजर्ट में ही चला गया होगा, क्योंकि सऊदी से बाहर नहीं जा सकता था और डेजर्ट ही उसके लिए एक ऐसी जगह थी जहाँ वो सेफ रह सकता था। और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो खुद इमरान एक सुपर नेचुरल आइडेंटिटी या एक स्पिरिट हो सकता है। तुम देख भी सकते हो कि जहाँ इमरान लेटा हुआ था उस जगह पर निशान बने हुए हैं, लेकिन उसके जाने के पैरों के निशान नहीं बने हुए हैं। आई थिंक इमरान भी एक खुद एक स्लेव होगा जो कि मर चुका होगा। अब वो एक आत्मा या स्पिरिट है जो कि दूसरे लोगों को बाहर जाने का रास्ता दिखाता है और वहाँ काम होते ही वहाँ से गायब हो जाता है। तो ऐसा मेरा मानना है। अगर तुम्हें क्या लगता है क्यों गायब हुआ होगा, कमेंट में जरूर बताना। तो वेल, ये रहे कुछ डिटेल्स। इसके सिवा और भी डिटेल्स हैं, अगर तुम चाहोगे अगले वीडियो में कवर कर देंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।